हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी फिट एंड फाइन हूँ। अगेन मेरे किचन में हूँ, लेकिन किचन में स्वागत नहीं है, मेरे ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो आज मैं कुछ स्टिच करने जा रही हूँ, तो सोचा आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ। मेरे पास एक ही कपड़ा है, ये जो थी कुर्ती थी, एक कुर्ती थी मेरी सिस्टर की कुर्ती थी। अब बताइए इस टाइप की कुर्ती कोई पहनता है? ये सब कपड़ा, ये इस टाइप का डिज़ाइन, कलर डिज़ाइन ठीक है, इस टाइप का कपड़ा मुझे तो ना इसका प्रिंट अच्छा लग रहा है, ना कलर अच्छा लग रहा है, ये सब कोई पहनता है? हम लोग तो नहीं पहन जी, क्या समझिए, वो उसने इसने का कुर्ती बनवा लिया और पहनी भी नहीं है। मुझे लगता है काफ़ी पुराना था, क्योंकि उसको टाइट हो रहा था, तो उसने आस्था को दे दिया। आस्था ये पहनेगी, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तो सोची चलते हैं, ले चलते हैं ठंडी में स्वेटर के अंदर पहन डाले की जैकेट वैकेट के नीचे, लेकिन नहीं, उसने पहना ही नहीं। तो फिर मैंने कहा कि इसको फेंकने से अच्छा है इसको मैंने पूरी सिलाई सी खोली। सिलाई खोलने के बाद ऊपर का पार्ट काट के निकाल दिया, ये नीचे का पार्ट है। अब इसका मैं जा रही हूँ क्या बनाने वाली हूँ, आप लोग देखते रहिए क्या बनता है। एक ये है, और इसके साथ मैं यूज़ करने वाली हूँ टी शर्ट। ये टी शर्ट है जो कि उल्टा ही है फिलहाल, तो ये पुराना हो गया है, ख़राब हो गया है, इसको फेंकना ही है। तो मैं सोच रही हूँ इसको मैं इसके साथ यूज़ करूँगी, दोनों को मैं यूज़ करने वाली हूँ। और क्या बनाती हूँ, बने रहिए कंटिन्यू और देखते रहिए मैं क्या बनाने वाली हूँ। ओके तो फ्रेंड, चलिए कर लेते हैं फटाफट स्टिचिंग कर लेते हैं। यहाँ टी शर्ट को मैं छोटी छोटी पट्टी काट लूँगी, दो करीब एक डेढ़ अंगुल चौड़ी इतनी काटेंगे, ज़्यादा नहीं चौड़ी रखेंगे, क्योंकि हमें एकदम हल्की सी पाइपिंग देनी है। बस जो राउंड वाली पाइपिंग होती है ना, उसी टाइप की हमें देनी है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पट्टी काट लिया, इनको ज्वाइंट कर लूँगी, दो पट्टी काटूँगी, दोनों को आपस में ज्वाइंट करके यहाँ पे मैंने देखिए अंदर की तरफ पाइपिंग रखी है। और अंदर की तरफ पाइपिंग रख के तब मैं इसको दबा रही हूँ कि बाहर अंदर जो हो सीधे की तरफ जरा जरा सा दिखे, ज़्यादा ना दिखे, तभी अच्छा लगेगा। और ज़्यादा पाइपिंग मैंने बड़ी चौड़ी पाइपिंग नहीं लगाई है, इसी तरह पूरा मैं दोनों चारों तरफ से सील लूँगी, चारों तरफ लगाऊंगी, लेकिन जिधर से ओपन साइड है उधर का सिर्फ एक ही साइड लगाऊंगी, एक साइड नहीं लगाऊंगी, लगेगा चारों तरफ ही पाइपिंग हमारी लगेगी। और आप लोग को मैं सिल्क दिखलाती हूँ, देखिए कैसा है। कभी कभी होता है ना कि पुराने कपड़े आपके पास है तो एक आइडिया आ जाता है कि इसका ये करना है, उसका वो करना है, क्योंकि कपड़ा भी जैसा होता है उसका मन भी कर जाता है बनाने का। तो बस मेरे पास था तो मैंने बना लिया है। अब पता है मुझे मात्र 15 मिनट लगा होगा, अब 15 मिनट के काम के लिए मैं 15 क्या 20 क्या 1 मेरे मोबाइल गिर टूट में गाकर, हाँ तो 15 मिनट के काम के लिए मैं 1 महीना 2 महीना से इतना आलस कर रही थी कि अब सिलू तब सिलू कब सिलू आज सिलू कल सिलू, लेकिन नहीं, इसको मैं 15-20 दिन पहले मैंने, मेरा नाखून गया, 15-20 दिन पहले मैंने काट के रखा था, काट के सिलाई खोल के काटवा के रखी थी, लेकिन आज मैंने कहा चलते आज सिलते, यार बैठे बैठे जुग जाता है। तो देखिए मात्र 15 मिनट लगा, फट से मैं सिल के खा ले, हाँ एकदम फिनिशिंग वाला थी। मुझे ना कोई काम करती है ना फट 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 करो और हटो, तो एक एक जगह का कॉर्नर इसका नहीं बना अच्छे से, बाकी सब हो गया है, छोड़ो हटाओ, गरी में तो रहना है, कहाँ बेचना है क्या मेरे को, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये बन गया है, ये गोल्डन है, तो मैंने सोचा कुछ गोल्डन कपड़ा रहता ना तो हल्का सा मैं पाइपिंग लगा दी थी, आप देख सकते हैं पाइपिंग टाइप की है ना, तो येलो वाला टी शर्ट जो था ना तो उसी का देखिए मैंने लगा दिया, तो थोड़ा सा ये अच्छा भी लग रहा है एकदम, मैं मतलब जरा जरा सा जो होती ना पाइपिंग टाइप की, मैं उस टाइप का ही चाहती थी, देखिए दिख रहा है ना उसी टाइप की है ना, ये सब देखिए कहीं ज़्यादा दब गया थोड़ा कम दब गया ऐसे है, ये है, और दो बनाई मैंने, दो बनाए मेरा ये देखिए, ये इसका कॉर्नर देखिए ठीक है, एकदम वो राउंड वाला भी नहीं आया ना कॉर्नर वाला आया, इस लगाए तो मैं इसको चढ़ा के दिखाती हूँ कैसा लगता है। ओके आज पिन नहीं लगाया ना तो सरका जा रहा है, नहीं गर्मी लगती है ना पिन लगा लो तो मुझे और गर्मी लगती है, इस तरह से है ना, अब पिन नहीं लगा रहता है तो जब लेटते वेटते तो आराम से लेट लेते हैं ना, पिन लगा रहता है ना तो बचाना भी पड़ता है कि कहीं से जाकर फट वट ना जाए, कवर बड़ी हो गई है थोड़ी सी, कवर थोड़ा सा बड़ा बन गया है, ठीक है कोई बात नहीं, देखिए अच्छा लग रहा है कि नहीं। अब यहाँ से इसको या तो हम यहाँ पे हुक लगाना चाहूंगी तो मैं हुक लगा सकती हूँ, और नहीं तो इसमें मुझे बंध लगा देनी चाहिए थी, हुक अच्छा पड़ेगा, हुक लगा देंगे, देखिए कैसा लगा, लगाइए मोटा वाला दो, इस पे चाहे इस पे एकदम फुल्ली फुल्ली आएगी, मोटा वाला दो,
देखिए फ्रेंड्स अच्छा लग रहा है ना, इस तरह से कैसा लगा बताइएगा आप लोग जरूर से। बाबू एक पिक ले रहा था। तो फ्रेंड्स मेरे हाथ का कलाकारी आप लोगों को कैसा लगा, मेरे हाथ का कलाकारी आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत से कपड़े लोगों के पास फालतू पड़े रहते हैं। किसी के पास साड़ियाँ होती हैं, सूट होती है, प्लाजो होती है, कुर्तियाँ होती हैं, कुछ भी होती हैं, तो लोग फेंक देते हैं, और जिनको नहीं आता वो फेंक देते हैं, जिनको आता है सिलाई वो कर लेते हैं। और कितने लोग तो ऐसे हैं कि आता भी है, टाइम भी होता है, रद्दी कपड़े भी होते हैं और फिर भी नहीं करते हैं, मेरी तरह जगह चोर होते होंगे इसी से। तो ठीक है, आप लोग उन लोग को शेयर कर दीजिएगा, अपने रिलेटिव्स को शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और जो न्यू होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, फिर किसी यूनिक चीज के साथ।